Maryam Nawaz has just launched Punjab Women Protection Authority, under which countless safe girls hostels are being made, and the police is instructed to give special security and protocol to these places so the women can continue working from their safe spots. दूसरा ये कि और ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेट की जा रही हैं ताकि सेफ कम्यूट और आसान हो सके. Also, did we ever hear about government daycare centers? वो भी 400? Well, that's also a part of this initiative. So the working mothers can continue with their work life without worrying about their child's safety and well-being. मरियम नवाज की जो गवर्नमेंट है, आई फील लाइक कि ये नया एक मॉडर्न स्ट्रीट स्टाइल लेके आ रहे हैं जिसमें खुली वायर्स या गंदे नालों की तो गुंजाइश ही नहीं है. प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है कि 5 बड़े शहरों में 630 हाईटेक इको फ्रेंडली बसेस चलेंगे. प्लस लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन बनाया जा रहा है एंड आई एम नॉट किडिंग. जिन जिन बस ड्राइवर्स ने अपने कस्टमर से अमाउंट ओवर चार्ज की है उनको उसी अमाउंट को कंपनसेशन दी गई है. उसके अलावा यंगस्टर्स को 20,000 फ्री बाइक्स दी जा रही हैं. नॉट जस्ट दैट, देयर इज अ प्रोविजन इंटरेस्ट ऑफ फ्री ई बाइक्स एज वेल. सो डेफिनेटली विच मीन्स विच प्रूव्स दैट आवर यूथ इज इन गुड हैंड्स. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, हैट्स ऑफ टू द पंजाब गवर्नमेंट क्योंकि उन्होंने रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला है सारी आवाम की प्रॉब्लम्स का.